नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस समय नवरात्र चल रहा है। जी हाँ, नवरात्र चल रहा है और बहुत सारी महिलाएं, खैर महिलाएं नहीं, बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं। लेकिन नवरात्र में सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है दुर्गा पूजा का। जी हाँ, दुर्गा पूजा को काफी महत्व दिया जाता है। दोस्तों दुर्गा पूजा का प्रचलन हमारे देश में काफी बढ़ गया है, कुछ सालों से काफी बढ़ गया है, ठीक है। और दुर्गा पूजा काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जब दुर्गा पूजा आता है इसको लेकर बहुत सारे लोग काफी उत्साहित रहते हैं, काफी खुश रहते हैं कि भैया दुर्गा पूजा आने वाला है, ठीक है, मेला लगने वाला है, खूब मजा आएगा, चलेंगे देखने। खैर छोटे थे तो हम भी काफी देखने जाते थे, काफी उत्साहित रहते थे दुर्गा पूजा को लेकर। खैर अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब छोटे थे तब भी हमें पता नहीं था कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। खैर बहुत सारे लोगों को अब भी पता नहीं है कि दुर्गा पूजा आखिर मनाया क्यों जाता है। दुर्गा पूजा का प्रचलन किस राज्य से, किस देश से शुरू होता है किसी को नहीं पता। खैर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुर्गा पूजा जो है करोड़ों साल पुराना है, उस समय हमारा होश ही नहीं था, हमारा जन्म ही नहीं था। बात सही है कि जब दुर्गा पूजा का प्रचलन शुरू हुआ तब तुम्हारा जन्म नहीं था आज के लोगों का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा करोड़ों साल पुराना है, नहीं, इसका इतिहास मात्र 264 साल पुराना है, ठीक है। 264 साल पुराना यूं कहें तो हमारे दादा परदादा के जमाने से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही थंबनेल में बता चुका हूं कि दुर्गा पूजा अंग्रेजों के जीत का जश्न है। अब ये बात सुनने के बाद कुछ लोग हम पे भड़क गए होंगे, काफी गुस्सा होंगे। खैर गुस्सा होना आपको जायज भी है, लाजमी है, क्योंकि आपके पास जानकारी अभी नहीं है। खैर बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं, तो मैं कहता हूँ प्यार दो चाहे नफरत दो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहा कि भैया बहुत मेहनत लगेगा वीडियो बनाओ में, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ला, को पैसा वैसा लगे के हाउ ना। दोस्तों बहुत सारे लोग बताते हैं कि दुर्गा पूजा का जो प्रचलन है वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। सच है कि दुर्गा पूजा का जो प्रचलन है, जो शुरुआत है, वो पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और दुर्गा पूजा काफी महत्व पश्चिम बंगाल में रखता है, ठीक है। अब ये शुरू क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो एक बात सच है जिसे हम झुठला नहीं सकते, हमारा देश दो बाहरी ताकतों का लंबे अरसों तक गुलाम रहा है और उनमें से पहला है मुगल, दूसरा है अंग्रेज, ठीक है। जब अंग्रेज भारत आए उस समय हमारे देश पर मुगलों का शासन था, ठीक है। खैर वो बात अलग है, उस समय मुगलों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध नहीं किया गया, और वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अंग्रेज उस समय व्यापार के मकसद से आए थे, लेकिन उनका मकसद तो कुछ और ही था। वो भारत आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाते हैं और उनके अंदर शासन करने की लालसा जगती है। अब उनके इस मकसद को लेकर कुछ मुगल अंग्रेजों का विरोध करते थे, मतलब कि अंग्रेजों के इस विचार को लेकर, इस मकसद को लेकर कुछ मुगल अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे और अंग्रेज भी कुछ मुगलों को पसंद नहीं करते थे जो मुगल उनका सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। इसी चीज को लेकर उनके बीच में काफी झड़प होती थी, युद्ध भी हो जाते थे, ठीक है। खैर आपने अक्सर सुना होगा कि दो नदियों के मिलने से फलाने नदी की उत्पत्ति हुई, दो सागरों के मिलने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों और मुगलों के युद्ध से, उनके झड़प से दुर्गा पूजा जैसी परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ। देखो दुर्गा पूजा का प्रचलन पश्चिम बंगाल से होता है। खैर देखो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर गंगा किनारे एक जगह है प्लासी। उसी जगह 23 जून 1757 को अंग्रेज शासक रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है, और अंग्रेज शासक रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। अब अंग्रेज इस जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए उपाय सोचने लगे कि कैसे प्लासी के युद्ध को, कैसे अपने जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए। तभी अंग्रेजों के चमचे रहे, अच्छी भाषा में कहे तो अंग्रेजों के हिमायती रहे, राजा नवकृष्ण देव ने एक उपाय सोच लिया और अंग्रेजों को बताया कि हम आपके जीत में एक जश्न मनाना चाहते हैं और उसी जश्न में एक परंपरा की शुरुआत करेंगे, वो परंपरा होगी दुर्गा पूजा, और उसी दुर्गा पूजा जैसी परंपरा के जरिए हम आपके जीत को, आपके युद्ध को ऐतिहासिक बनाएंगे। फिर क्या, 1757 में अंग्रेजों के जीत के जश्न में
दुर्गा पूजा जैसी परंपरा की शुरुआत होती है। दुर्गा पूजा मनाई जाती है, इतने भव्य तरीके से मनाई जाती है कि उसकी गूंज काफी दूर तक जाती है। बड़े बड़े लोग आते हैं उसे देखने के लिए, और देखने के बाद फिर अंग्रेजों के टैक्स से बचने के लिए इस इतिहास को अपने जगह पुनः दोहराते हैं, फिर दुर्गा पूजा मनाई जाती है, और धीरे धीरे ये परंपरा, ये दुर्गा पूजा की परंपरा पूरे देश में फैल जाती है और आज भी मनाई जाती है। सच्चाई इतिहास यही है। खैर, अब इस इतिहास को भुलाने के लिए अलग तरीके की कहानियाँ गढ़ी जाती है, लेकिन उन कहानियों को भुला दीजिए, क्योंकि असलियत यही है कि अंग्रेजों के जीत के जश्न में दुर्गा पूजा जैसी परंपरा की शुरुआत हुई थी और आज